हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो एक बार फिर स्वागत है आपका अनअकैडमी स्टूडियोज़ ब्रिज में। तो दोस्तों, अभी जो स्लाइड आप देख रहे हैं, जो स्क्रीन पर आपको देख रहे हैं, 6 मेंबर, ये अनअकैडमी स्टूडियोज़ ब्रिज की टीम है जो गेट में डिफरेंट ब्रांचेस में तैयारी करवा रही है फॉर द गेट 2020 अंडर 21। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। मैं गौरव बाबू स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आपको पढ़ा रहा हूँ, और हम लोग जो पढ़ रहे हैं अभी, वो पढ़ रहे हैं डिफ्लेक्शन के क्वेश्चन एज अ ऑन द बेसिस ऑफ क्रैश कोर्स, लाइक अ क्रैश कोर्स हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। और ये जो जो भी क्लासेस अभी चल रही हैं, वो गेट 2020 के लिए स्पेशली चल रही हैं। दिस इज़ द लिटल इंट्रोडक्शन अबाउट मी। ऑलरेडी आप लोग मेरे बारे में जानते हैं, तो आई वॉन्ट टेक मोर टाइम हेयर, ज़्यादा समय मैं नहीं लूँगा। बाकी जो बच्चे पहली बार मुझे सुन रहे हैं या देख रहे हैं, तो दोस्तों इस लिंक को फॉलो कर लीजिएगा अगर आपको मेरे वीडियोज़, मेरे द्वारा बताए गए कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ रहे हैं तो। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम मी देयर आर वेरियस एजुकेटर ऑन द अनअकैडमी प्लेटफॉर्म, आप इनको भी फॉलो कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट। अनअकैडमी प्लस, अनअकैडमी प्लस एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, और इट्स नॉट सिंपली ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, इट्स इंडियाज़ लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो उसके कई सारी खूबियाँ यहाँ पर लिखी हुई हैं, आप इनको देख सकते हैं एक बार। बाकी मैंने डिटेल में सारा कुछ प्लस के बारे में प्रीवियस वीडियोज में बता रखा, तो वहाँ भी इसको सुन सकते हैं। ठीक है, गेट के सब्सक्रिप्शन यहाँ पे कई सारे दिए हुए हैं, जो बच्चे सिंसियर हैं, जो वाकई में सीरियस होकर पढ़ाई करना चाहते हैं फॉर द गेट 20 और द 2021 21 और 22 के लिए दोस्तों, तो आई वुड सजेस्ट कि वो 12 या 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लें, जो सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर के बच्चे हैं। बाकी जो 20 देना चाहते हैं गेट 2020, वो केवल 1 महीने का सब्सक्रिप्शन लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लेंगे। ठीक है दोस्तों, और किसी भी सब्सक्रिप्शन को लेने से पहले इस कोड को डाल दें, GPS लाइव। GPS लाइव कोड डालते ही आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। कितने परसेंट का? 10% का। GPS लाइव कोड डालते ही आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा दोस्तों। ठीक है, तो ये कोड आप लोग डाल दीजिए और लाइफ में आगे बढ़िए। और आई विल सजेस्ट कि दोस्तों, देखो कुछ प्राप्त करने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है। ठीक है, तो अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, आपको लग रहा है कि हाँ हम घर बैठे हमें अच्छी चीज़ें मिल रही हैं, तो दोस्तों आई विल सजेस्ट कि फिर पैसा खर्च करने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इट्स बेटर कि मैं कहीं बाहर कोचिंग में जाऊँ और अपना समय वेस्ट करूँ ऑफलाइन कोचिंग में जाके। तो घर पे ही अगर आपको बैठे चीज़ें सारी समझ में आ रही हैं, आपके क्वेश्चंस लग रहे हैं, आपको गेट का टॉपिक समझ में आ रहा है, तो इट्स बेस्ट थिंग। ठीक है, इससे बढ़िया कुछ भी नहीं है। तो आई विल सजेस्ट कि आप सब्सक्रिप्शन वगैरह ले लीजिए ताकि आपकी पढ़ाई कंटिन्यू रह पाए। ठीक है, इसके लिए करना क्या है, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, गेट या IA सेक्शन को चूज़ करना है, और सब्सक्रिप्शन को सेलेक्ट करना है, और GPS लाइव कोड डाल देना और पेमेंट कर देना है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि 6 जनवरी से मेरा प्लस पे कोर्स चालू हो रहा है। ठीक है, अनअकैडमी प्लस पे, जो कि इन डेप्थ कोर्स होगा। ठीक है, पूरा फुल डेप्थ कोर्स होगा, बिल्कुल डिटेल में सारी चीज़ें चलेंगी। जैसे कि अभी हम फिलहाल क्रैश कोर्स पढ़ रहे हैं, तो वो क्रैश कोर्स नहीं होगा, वो सारी चीज़ों के आंसर होंगे। जैसे अभी मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता देता हूँ कि ये फॉर्मूला ऐसे आया, तो वहाँ पे मैं पूरा उसका डेरिवेशन बताऊँगा कि वो चीज़ कैसे डराइव हुई है, कहाँ से आया है, क्या उसके पीछे लॉजिक है, हर चीज़ का जवाब आपको वहाँ पे मिलने वाला है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। बच्चों की डिमांड आ रही थी, सर कैस्टिग्लियानोस थ्योरम करवा दीजिए, कैस्टिग्लियानोस थ्योरम हमें बता दीजिए एक बार। तो दोस्तों चलिए आज कैस्टिग्लियानोस थ्योरम मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, कैस्टिग्लियानोस थ्योरम, ये बेसिकली एक एनर्जी मेथड है, एनर्जी मेथड ऑफ फाइंडिंग आउट स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। ये एक एनर्जी मेथड है जिससे हम लोग स्लोप एंड डिफ्लेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके लिए आपको एनर्जी आनी चाहिए पहले, क्योंकि हम लोग जो पढ़ रहे हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था, हम लोग बेंडिंग की वजह से डिफ्लेक्शन और स्लोप को पढ़ रहे हैं। ठीक है, बेंडिंग और डिफ्लेक्शन की वजह से स्लोप को पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले आपको एनर्जी आनी चाहिए कि व्हाट इज़ द स्ट्रेन एनर्जी। ठीक है, तो अगर मैं आपसे स्ट्रेन एनर्जी पूछूं डायरेक्ट लोडिंग में, यस ये वाली लोडिंग, डायरेक्ट लोडिंग का मतलब कोई एक आपने बीम ले लिया या बार ले लिया फॉर एग्जाम्पल, और उसके ऊपर आपने डायरेक्ट लोड ऐसे पी लगा दिया। ठीक है, दिस कॉल द डायरेक्ट लोडिंग। तो इस लोडिंग में स्ट्रेन एनर्जी क्या होती थी, पी स्क्वायर एल अपॉन 2 AE, याद आ रहा है, वेयर पी इज द लोड, एल इज द लेंथ, ए इज द एक्सियल रिजिडिटी।
बट हमें किस में निकालनी है, हमें डायरेक्ट लोडिंग में नहीं निकालनी, हमें जो एनर्जी निकालनी है वो बेंडिंग में निकालनी है. मतलब मान लो यही बार को अगर मैं बेंडिंग मूवमेंट एम दे दूं लाइक दिस, तो ये बार इस तरह से बेंड कर जाएगी. तो जो बेंड करेगी तो उस केस के लिए हमें एनर्जी निकालनी है. माइंडेड हमारी जो एनर्जी है वो बेंडिंग के लिए होनी चाहिए, ठीक है. तो एनर्जी इन बेंडिंग, स्ट्रेन एनर्जी इन बेंडिंग इज गिवन एज, देखिए एम भी लोड होता है, ठीक है, ये भी लोड है, ये भी लोड है, एम भी लोड है, दोनों ही लोड हैं. और ये मैंने बात आपको स्टार्टिंग बताई थी, दोनों ही चीज़ें लोड हैं, ठीक है. बट तो यहाँ पे लोड चेंज हो जाएगा, लोड चेंज हो जाएगा, पी की जगह पे एम स्क्वायर, एल की जगह पे एज इट इज एल रहेगा, वेयर एल इज द लेंथ, टू की जगह पे टू रहेगा, ए इज द एक्सियल रिजिडिटी. पढ़ाया था मैंने ये, ए क्या होता है, एक्सियल रिजिडिटी, एक्सियल रिजिडिटी होती है ये. ये एक्सियल रिजिडिटी चेंज हो जाएगी किससे, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी, दैट इज ई आई, ठीक है, ई आई से चेंज हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड द फ्लेक्सुरल रिजिडिटी, ठीक है. तो ये फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पे, जो मैंने एनर्जी बता रखी है, तो ये वाली एनर्जी यहाँ पे यूज होनी है. कैसे इसको यूज करना है देखते हैं. तो कैस्टिग्लिआनोस थ्योरम की दो थ्योरम है, पहली है थ्योरम वन, थ्योरम फर्स्ट, एज पर दिस थ्योरम स्लोप एट एनी पॉइंट, फॉर एग्जाम्पल एट ए, विल बी इक्वल टू डेल यू बाई डेल एम ए. ठीक है, वेयर थीटा ए इज द स्लोप ऑफ पॉइंट ए, यू इज द स्ट्रेन एनर्जी, ठीक है, एम ए, माइंडेड सारा खेल इस एम ए का है, एम ए इज द कॉन्सेंट्रेटेड, कॉन्सेंट्रेटेड कपल एक्टिंग एट ए. माइंड इट, दिस थ्योरम इज वैलिड ओनली व्हेन द कपल इज कॉन्सेंट्रेटेड. अगर वेरिएबल मूवमेंट है तो ये काम नहीं करेगी थ्योरम, केवल कंसंट्रेटेड कपल होना चाहिए. क्या होना चाहिए, कंसंट्रेटेड कपल, ओनली कंसंट्रेटेड कपल होना चाहिए, ठीक है, ठीक है. माइंडेड, ये एम ए क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड कपल, समझ में आ रहा है. यहाँ पे जो एम ए है वो कॉन्सेंट्रेटेड कपल होना चाहिए, और जिस पॉइंट पे कपल लगा होगा उसी पॉइंट पे स्लोप मिलेगा. माइंडेड, ठीक है, अगर कपल मान लो बी पॉइंट पे लगा है और आपको ए पे स्लोप निकालना है, नहीं निकलेगा. माइंडेड प्लीज, केवल कहाँ निकलेगा, यहाँ पे एम ए है तो ए पे ही निकलेगा, ए पे ही स्लोप निकलेगा, ऐसा नहीं है कि बी पॉइंट पे स्लोप निकल आएगा, ठीक है. दिस इज द थ्योरम वन, यूनिट चेक कर ले एक बार, दूसरी थ्योरम देख लेते हैं. थ्योरम टू क्या बोलती है, थ्योरम टू सेज दैट कि अगर आपको किसी पॉइंट पे डिफ्लेक्शन निकालना है, फॉर एग्जांपल ए पॉइंट पे डिफ्लेक्शन निकालना है, तो डिफ्लेक्शन इज व्हाट, डेल यू बाई डेल डब्ल्यू ए. ठीक है, अगेन डिफ्लेक्शन उसी पॉइंट पे निकलेगा जिस पॉइंट पे डब्ल्यू ए, ए पॉइंट पे इस डिफ्लेक्शन निकलेगा. आप सोचें कि लोड तो लगा हुआ है बी पॉइंट पे और आप ए पे निकालना चाहते हैं, नहीं निकलेगा. जिस पॉइंट पे लोड होगा उसी पॉइंट के नीचे या ऊपर आपको डिफ्लेक्शन मिलेगा. माइंडेड प्लीज, ठीक है, ये चीज़ सबसे बड़ी है इसमें. यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, वेयर डेल्टा ए इज डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट ए एंड यू अगेन द स्ट्रेन एनर्जी एंड डब्ल्यू ए, डब्ल्यू ए इज द कॉन्सेंट्रेटेड लोड. एक्टिंग एट ए, ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि जिस पॉइंट पे लोड होगा उसी पॉइंट के नीचे डिफ्लेक्शन मिलेगा. ये दो थ्योरम आपको समझ लेनी है दोस्तों, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोनों पार्ट, ठीक है. और इस पे ये कब यूज करनी है वो मैं भी आपको क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूँ. चलिए तो एक क्वेश्चन लेते हैं, सबसे पहले चवन्नी वर का क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, सारे लोग एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं.
determine slope and deflection at point B. B पॉइंट पर हमें स्लोप एंड डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना है और लोड ये दे रखा है आपको, बीम को जिस तरह से दे रखी है, एक कैंटिलीवर बीम है और इस पर लोड W लगा हुआ है लाइक दिस. ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है. तो लोड W B पॉइंट पे है और B पॉइंट पे हमसे वो स्लोप एंड डिफ्लेक्शन पूछ रहा है. हम जानते हैं बीम इस तरह से नीचे की तरफ जाएगी, तो वो B पॉइंट पे स्लोप एंड डिफ्लेक्शन पूछ रहा है, जो हमें ऑलरेडी पता है, हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ. लेकिन एनर्जी मेथड से कैसे सॉल्व करना है वो समझ लेते हैं, क्योंकि अगर आप आईएएस का पेपर देखें और उसने स्पेसिफाई कर दिया कि आपको स्लोप और डिफ्लेक्शन निकालना है विद द हेल्प ऑफ कैस्टिगलानोस थ्योरम, तो फिर आप डायरेक्टली नहीं लिख सकते उसको, फिर आपको ये थ्योरम लगानी पड़ेगी. तो सबसे पहले दोस्तों करना क्या, सुनिए, सबसे पहले आप मूवमेंट फाइंड आउट करिए. एक छोटा सा सेक्शन कट करिए पहले यहाँ पे एट अ डिस्टेंस एक्स, और ये वाला जो पार्ट है दिस इज डी एक्स. एक छोटा सा एलिमेंट आपने ज़ूम किया ये वाला जिसकी लेंथ डी एक्स है. अब इस डी एक्स पर इस सेक्शन पर मूवमेंट कितना होगा, इस सेक्शन पर मूवमेंट की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे एक्स डिस्टेंस पर मूवमेंट कितना होगा, मूवमेंट एट ये जो हमने छोटा सा एलिमेंट ज़ूम किया है एट एलिमेंट इज एम इक्वल टू कितना होगा दोस्तों, डब्ल्यू इंटू एक्स अलॉन्ग विद माइनस साइन. क्यों होगा माइनस साइन, माइनस साइन इसलिए होगा क्योंकि हम लोग किधर से देख रहे हैं इसको, राइट हैंड से देख रहे हैं, और राइट हैंड से क्लॉकवाइज मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कैसा हो जाएगा हमारे लिए, नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड से क्लॉकवाइज पॉजिटिव था तो राइट हैंड से क्लॉकवाइज कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि हम राइट हैंड सेक्शन देख रहे हैं. कैसा सेक्शन कहलाएगा ये, राइट हैंड सेक्शन. इधर से देखते इस तरफ से तो लेफ्ट हैंड सेक्शन कहलाता. तो लेफ्ट हैंड हमने जो एस एफ डी बी एम डी पढ़े थे उसमें मैंने क्या पढ़ाया था आपको, कि अगर आप लेफ्ट हैंड चेक करते हैं, लेफ्ट हैंड पर अगर क्लॉकवाइज मूवमेंट आ रहा है तो उसको हम पॉजिटिव मानते हैं. तो इट इज ऑब्वियस कि अगर राइट हैंड पर क्लॉकवाइज मूवमेंट आएगा तो उसको हम नेगेटिव मानेंगे. ठीक है दोस्तों, ये हमारा साइन कन्वेंशन था. तो ये तो हो गया हमारा मूवमेंट की वैल्यू, दैट इज एम इक्वल टू डब्ल्यू इन टू एक्स. ना अब हमें स्ट्रेन एनर्जी निकालनी है, स्ट्रेन एनर्जी. तो पहले इस स्मॉल एलिमेंट के लिए स्ट्रेन एनर्जी की बात करूँ तो उसको मैं डी यू बोल देता हूँ. डी यू इक्वल टू स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला होता है एम स्क्वायर एल अपॉन टू ई आई, ये फॉर्मूला होता है. ठीक है दोस्तों, एम की जगह पे मैं वैल्यू पुट करता हूँ माइनस डब्ल्यू एक्स का स्क्वायर. एल की जगह क्या पुट करूँगा मैं, इस एलिमेंट की लेंथ कितनी है, इस एलिमेंट की लेंथ है डी एक्स डिवाइडेड बाय टू ई आई, यही है दोस्तों. और इस एनर्जी को हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे फ्रॉम जीरो टू यू टोटल, और इसको इंटीग्रेट कर देंगे जीरो टू एल, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है एल, जो पूरी बीम की लेंथ है दैट इज एल. तो ऐसा करके हम टोटल एनर्जी निकाल लेंगे. तो या माइंड इट प्लीज, हमें पूरे पार्ट की एनर्जी निकालनी होती है, ऐसा नहीं है कि हम यहीं तक की एनर्जी निकालेंगे, पूरी एनर्जी निकालेंगे बीम की. माइंड इट प्लीज, इस क्वेश्चन ये जो थ्योरम है ये वैलिड है जब हम पूरे पार्ट की एनर्जी निकालेंगे, मतलब जो भी कंपोनेंट आपको दे रखा है उस पूरे कंपोनेंट की एनर्जी आपको निकालनी पड़ेगी. नाउ अब यहाँ पे बेटा क्या पुट कर दिया, ये तो हो गया यू टोटल इक्वल टू, इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं, जीरो टू एल डब्ल्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन टू ई आई. माइनस साइन कन्वर्ट हो गया प्लस में क्योंकि स्क्वायर आ रहा है. ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, डब्ल्यू स्क्वायर टू ई आई कॉमन ले लिया बाहर, अंदर क्या बचेगा एक्स क्यूब बाई थ्री, और लिमिट हो जाएगी जीरो टू एल. इसको यहाँ लिख दिया मैंने यू टोटल इक्वल टू डब्ल्यू स्क्वायर एल क्यूब अपॉन सिक्स ई आई. ठीक है, इसको सॉल्व कर लिया, डब्ल्यू स्क्वायर लिमिट पुट कर दी एल क्यूब अपॉन सिक्स ई आई, ये आ गई टोटल एनर्जी. ये टोटल एनर्जी आ गई. अब हमें क्या निकालना है, डिफ्लेक्शन. अब थ्योरम टू देख लेते हैं. थ्योरम टू के तहत हमें डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना है. तो इस एनर्जी को मैं डब्ल्यू के रेस्पेक्ट में क्या कर दूंगा, डिफ्रेंशिएट कर दूंगा. तो देखिए दोस्तों,
और आप देख पा रहे हैं कि ये W लोड किस पॉइंट पे है, बी पॉइंट पे लगा हुआ है, तो बी पॉइंट पे ही डिफ्लेक्शन निकलेगा, ठीक है। तो डिफ्लेक्शन एट बी इक्वल टू डेल यू बाई डेल डब्ल्यू, ठीक है, डब्ल्यू भी बी पॉइंट पे लगा हुआ है, तो डेल बाई डेल डब्ल्यू वैल्यू पुट कर देते हैं, डब्ल्यू स्क्वायर एल क्यूब अपॉन सिक्स ई आई। अब इस एनर्जी को इसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, डब्ल्यू के रेस्पेक्ट में, और डिफरेंशिएट कर दे क्या मिलेगा दोस्तों हमें, डब्ल्यू का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, टू डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन सिक्स ई आई, टू से कितनी बार गया, थ्री टाइम्स, तो कितना आ गया, डिफ्लेक्शन ऑफ बी इज डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन थ्री ई आई। क्या यही फॉर्मूला पढ़ा था हम लोगों ने, क्या इस केस के लिए यही फॉर्मूला पढ़ा था, डब्ल्यू एल क्यू अपॉन थ्री आई, बिल्कुल यही पढ़ा था। तो वही चीज़ दोस्तों निकल के आ गई, ठीक है। इसीलिए अननेसेसरी अगर आप गेट की केवल प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको बहुत सारे मेथड पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सेम आंसर आएगा, समझ में आ रहा, क्योंकि सेम आंसर आएगा, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो वही सेम चीज़ निकल के आ गई जो हमने पढ़ी थी, डब्ल्यू एल क्यू अपॉन थ्री ई आई। तो सारे मेथड, जितने भी मेथड हमने जो दे रखे हैं बुक्स में, जब आप देखेंगे, ठीक है, जैसे कैस्टिग्लियानोस थ्योरम ले लो, एरिया मूवमेंट मेथड ले लो, डबल इंटीग्रेशन मेथड ले लो, तो जितने भी मेथड आप देखेंगे सबसे सेम आंसर आने वाला है। इसीलिए अगर आप गेट की प्रिपरेशन स्पेशली कर रहे हैं तो आपको बहुत सारे मेथड पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, केवल कुछ ही टॉपिक आपको पढ़ने होते हैं, उन्हीं से पूरा गेट का पेपर सॉल्व हो जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया अभी तक, मैं शायद ये पाँचवा छठवा दिन होगा एसएफडी डिफ्लेक्शन एंड स्लोप का, और मैंने केवल आपको चार केसेस बताया, उन चार केसेस पे अभी तक क्वेश्चन चल रहे हैं। और मैं फिर बोल रहा हूँ कि चार केसेस पे ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, वो चार केसेस प्लीज याद कर लो, ठीक है। अभी तक देखिए चार केसेस पे क्वेश्चन चल रहे हैं, कोई भी नया मैंने कोई फंडा नहीं बताया, कोई नई चीज़ नहीं बताई, और अभी मैं इस पर चाहूँ तो 10 दिन और खींच सकता हूँ, इतने क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। बट क्योंकि पेपर आने वाला है तो एक आध दिन में मैं डिफ्लेक्शन को ख़त्म कर दूंगा और आगे की तरफ मूव करेंगे हम लोग। तो चलिए दोस्तों, अब ये तो हो गया डिफ्लेक्शन, अब हमें निकालनी है स्लोप, और स्लोप के लिए क्या होना चाहिए, कंसंट्रेटेड कपल होना चाहिए। तो क्या इस बी पॉइंट पर कंसंट्रेटेड कपल दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा, तो फिर स्लोप कैसे निकलेगा। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको स्लोप निकालना है डिफ्लेक्शन तो हमने निकाल लिया, क्योंकि कंसंट्रेटेड मूवमेंट कंसंट्रेटेड लोड दे रखा था हमें, और कंसंट्रेटेड लोड के लिए डब्ल्यू होना चाहिए, तो वो हमारे पास था बी पॉइंट पर, लाइक दिस, ये बी पॉइंट पर डब्ल्यू लोड था। लेकिन बी पॉइंट पे अगर स्लोप निकालनी है तो मूवमेंट होना चाहिए, लेकिन मूवमेंट तो है नहीं, कंसंट्रेट कपल तो है नहीं, तो फिर कैसे स्लोप निकलेगा। तो इसके लिए दोस्तों क्या करो, अगर नहीं है तो मान लो, क्या कर लो, मान लो अपनी तरफ से, मान लो कि एक एम इंटेंसिटी का कपल लगा हुआ है, मान लिया मैंने, किसी कुछ गया, कुछ नहीं गया, तो मैंने मान लिया कि ये कपल यहाँ लगा हुआ है। तो सेम फिर से वही फंडा रिपीट करते हैं, एट अ डिस्टेंस एक्स एक एलिमेंट अज्यूम करते हैं, ये डी एक्स है। अब इस एलिमेंट पे मूवमेंट फाइंड आउट करते हैं, उस एलिमेंट पे मूवमेंट कितना होगा दोस्तों, एलिमेंट पे मूवमेंट होगा माइनस डब्ल्यू एक्स माइनस एम, होगा कि नहीं होगा, माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं, डब्ल्यू एक्स प्लस एम, तो ये मूवमेंट होगा, ठीक है, डब्ल्यू इंटू एक्स, और एक एम भी है, एम को भी इस बार ले लिया, दोनों ही क्लॉकवाइज हैं, और क्लॉकवाइज मूवमेंट राइट हैंड से देखने पर नेगेटिव होता है, ठीक है, एज पर अवर साइन कन्वेंशन। तो ये मूवमेंट आ गया। अब इसके बाद एनर्जी क्या होती है, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया मैंने, कितना होता है, जीरो टू एल एम स्क्वायर डी एक्स अपॉन टू ई आई, ये टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होता है। यहाँ से जीरो टू एल सारी वैल्यूज को पुट करते हैं, एम स्क्वायर की जगह क्या रख दिया मैंने, एम स्क्वायर की जगह रख दिया मैंने माइनस डब्ल्यू एक्स प्लस एम इसका स्क्वायर टोटल का इंटू डी एक्स अपॉन टू ई आई, ठीक है, इसको ओपन करते हैं, माइनस का स्क्वायर जैसे होगा दोस्तों तो ये प्लस बन जाएगा, ठीक है, और इसमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा डब्लू स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस टू डब्ल्यू एक्स एम इंटू डी एक्स अपॉन टू ई आई और जीरो टू एल, ठीक है,
इसको फिर से एक बार सॉल्व करते हैं यहाँ पे, अब इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं दोस्तों, तो 1/2ei तो मैं बाहर ले ले रहा हूँ, 1/2ei बाहर ले लिया, अंदर क्या बचता है इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, डब्ल्यू स्क्वायर एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस इसका हो जाएगा एम स्क्वायर एक्स, इसका हो जाएगा प्लस का 2wx² m/2 और लिमिट हो जाएगी 0 to L। यहाँ लेके आ गए, यहाँ इसको लिखते हैं u टोटल इक्वल टू लिमिट बेटा पुट करने जा रहा हूँ मैं, तो 1/2ei एज इट इज, यहाँ हो जाएगा w² l³/3 w² l³/3 ठीक है, यहाँ हो जाएगा m² l प्लस m² l और यहाँ ये 2 से 2 कैंसिल आउट और x के पर रख दिया l, तो ये हो जाएगा w l² m ठीक है, ये हमने लिमिट पुट कर दी और ये हमारी टोटल एनर्जी आ गई ठीक है। इस टोटल एनर्जी को मैं यहाँ अच्छे से लिख देता हूँ एक बार, u टोटल की जो वैल्यू आई है दैट इज 1/2ei w² l³/3 w² l³/3 प्लस m² l प्लस w l² m, यही थी क्या w l² m, यस। तो ये हमारी टोटल एनर्जी आ चुकी है यस, जब हमने m को कंसीडर किया। अब हमें स्लोप निकालना है बी पॉइंट पे, तो स्लोप एट बी कितना होगा, स्लोप एट बी होगा डेल यू बाई डेल एम। अब चेक करो ये एम बी पॉइंट पे लग रहा है तो बी पॉइंट पे स्लोप मिलेगा हमें, तो इस एनर्जी को अब मैं क्या करने वाला हूँ, एम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने वाला हूँ। तो बेटा इस एनर्जी को एम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, डायरेक्टली डिफरेंशिएशन करना हूँ तो 1/2ei तो कॉन्स्टेंट है बाहर रख लिया। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, एम के रेस्पेक्ट में जीरो, क्योंकि इसमें एम का कोई टर्म ही नहीं है, जीरो हो गया। इसका क्या हो जाएगा 2ml और इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका हो जाएगा w l² इस वाले टर्म का डिफरेंशिएशन w l² उसके बाद फाइनली जब आप इतना कर लें, फाइनली पुट m इक्वल टू जीरो, क्यों, क्योंकि m एक्चुअल में जीरो है, m की कोई वैल्यू ही नहीं है ठीक है, ये हमने डमी m माना हुआ, मतलब कोई m था नहीं, मतलब हमने अज्यूम कर लिया था। तो फाइनल स्टेज में आके m की वैल्यू जीरो पुट कर दो, तो दोस्तों जैसे आप m की वैल्यू पुट करोगे तो थीटा b कितना बचेगा 1/2ei और अंदर क्या बचेगा, ये जीरो था हटा दो इसको, ये m की वैल्यू भी क्या हो जाएगी जीरो प्लस यहाँ क्या बचेगा w l², तो फाइनली थीटा b कितना आ गया दोस्तों, थीटा b आ गया w l² 2ei। क्या यही था थीटा एट बी पॉइंट w l² 2ei, बिल्कुल यही था ठीक है। तो जब भी कोई चीज दी ना हो तो उसको आप अज्यूम कर लेंगे, कंसंट्रेटेड मान लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों ठीक है। कंडीशन याद रखनी है कि जिस पॉइंट पर लोड होंगे उसी पॉइंट के नीचे ही आपको स्लोप या डिफ्लेक्शन मिलेगा, नीचे या ऊपर भी बोल सकते हैं। ऊपर का मतलब ये कि जब लोड की लोड को जिस तरह से लगा दिया जाए अपवर्ड डायरेक्शन में तो ऊपर की तरफ मिल जाएगा, मिलेगा लेकिन उसी पॉइंट के नीचे या ऊपर जिस पॉइंट पर लोड लगा होगा ठीक है दोस्तों। तो ये थी कैस्टिग्लियानोस थ्योरम। अब इसका एक्चुअल में यूज क्या है वो बता दूं मैं आपको, ये यूज होती है दोस्तों ब्रैकेट्स को सॉल्व करने में या फ्रेम्स को सॉल्व करने में। मतलब एक क्वेश्चन लेते हैं आपके लिए, क्वेश्चन ये है कि डिटरमाइन डिटरमाइन डिफ्लेक्शन एट पॉइंट सी ठीक है, डिटरमाइन द डिफ्लेक्शन एट पॉइंट सी, नेगलेक्ट द एक्सियल लोड इन पार्ट ए बी, ए बी पार्ट में एक्सियल लोड को नेगलेक्ट करिए। तो ये आपके लिए न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन है। अब देखिए दोस्तों दिया क्या हुआ आपको, एक एल ब्रैकेट दिया हुआ लाइक दिस जो इस पॉइंट पे फिक्स है ये ब्रैकेट आपको दिया हुआ है
ये लोड W यहाँ लगा हुआ है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है. आपसे पूछ रहा है डिटरमाइन द डिफ्लेक्शन एट पॉइंट सी, और ये एक एल ब्रैकेट आपको दिया हुआ है. ए बी पार्ट की लेंथ भी एल है, ए बी पार्ट की लेंथ भी एल है, बी सी वाले पार्ट की लेंथ भी एल है. ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले इनकी स्ट्रेन एनर्जी निकालते हैं. ठीक है, तो पहले स्ट्रेन एनर्जी निकालते हैं. और मैंने क्या बताया, पूरे पार्ट की निकलेगी, ए से लेके सी तक की स्ट्रेन एनर्जी निकालनी है आपको, पूरी एनर्जी निकालनी है. ठीक है, अगर आप बी ए बी सी तक की निकाल लेंगे क्वेश्चन गलत हो जाएगा. ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बी सी पार्ट की एनर्जी निकालते हैं. तो स्ट्रेन एनर्जी ऑफ पार्ट बी सी क्या हो जाएगी, जीरो टू एल मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक एम स्क्वायर डी एक्स अपॉन टू ई आई, वही सेम फॉर्मूला जीरो टू एल. अब इस पॉइंट पे एक सेक्शन अजूम कर लो, कट कर लो, वही जो पहले किया था एक्स. तो बेटा मूवमेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मूवमेंट की वैल्यू हो जाएगी माइनस डब्ल्यू इन टू एक्स का स्क्वायर डी एक्स अपॉन टू ई आई. ये हो जाएगा बी सी पार्ट के लिए मूवमेंट की वैल्यू. उसके अलावा फिर जीरो टू एल डब्ल्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन टू ई आई. इसको सॉल्व करके मैं डायरेक्टली लिमिट पुट कर दे रहा हूँ. तो ये यू बी सी कितना आ जाएगा, बी सी पार्ट की स्ट्रेन एनर्जी आ जाएगी डब्ल्यू स्क्वायर एल क्यूब अपॉन सिक्स ई आई. ये आ जाएगी, दिस द स्ट्रेन एनर्जी ऑफ पार्ट बी सी, इक्वेशन नंबर वन. ये स्ट्रेन एनर्जी आ गई बी सी पार्ट की. अब आप क्या करो, नेक्स्ट स्टेप में बी सी पार्ट को उठा दो वहाँ से. सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, ये ए बी है और ये बी सी पार्ट जो है यहाँ पे, इस पे लोड इस तरह से लगा हुआ है. तो इस डब्ल्यू लोड को यहाँ पे ट्रांसफर करो. तो जब इस डब्ल्यू लोड को यहाँ पे ट्रांसफर करोगे तो कितनी चीज़ें ट्रांसफर होंगी, सब पढ़ा रखा है, कितनी कितनी चीज़ें ट्रांसफर होंगी. एक तो इसको हटा देता हूँ मैं पहले, इस बी सी पार्ट को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ. ये बी सी पार्ट हो गया डिलीट. और ये बी सी पार्ट जब डिलीट होगा तो बी पॉइंट पर क्या क्या चीज़ें ट्रांसफर होंगी, बी पॉइंट पर एक तो लोड ट्रांसफर होगा डब्ल्यू उसी डायरेक्शन में जिसमें वो काम कर रहा है. इसके अलावा बी पॉइंट पर क्या ट्रांसफर होगा, एक मूवमेंट, मूवमेंट एम, जिसकी वैल्यू कितनी होगी डब्ल्यू इन टू एल. क्यों होगी, क्योंकि बी पॉइंट ये है, बी पॉइंट ये है, लोड डब्ल्यू यहाँ पे है. तो ये लोड पहुँच जाएगा इस जगह पे. इसके अलावा ये एल लेंथ मिल गई इसको, तो ये डब्ल्यू इन टू एल क्या बन गया, मूवमेंट बन गया. आई बात समझ में. अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप देखें तो ये डब्ल्यू लोड बी बी ए पार्ट के लिए या ए बी पार्ट के लिए कैसा है, ये ए बी पार्ट के लिए डब्ल्यू लोड एक एक्सियल लोड की तरह काम कर रहा है. कैसे काम कर रहा है, एक्सियल लोड की तरह. तो क्वेश्चन ने बोला एक्सियल लोड को नेगलेक्ट कर दो, कर दिया नेगलेक्ट, हटा दो उसको, इसकी जरूरत नहीं है. यानी कि बी पॉइंट पर केवल क्या बचेगा, बी पॉइंट पर बचेगा एक कंसंट्रेटेड कपल. क्या बचेगा, बी पॉइंट पर कंसंट्रेटेड कपल बचेगा. ठीक है, अगर बी पॉइंट पर कंसंट्रेटेड कपल है तो अब इस पूरे ए बी पार्ट के लिए स्ट्रेन एनर्जी निकाल लो. तो ए बी पार्ट के लिए स्ट्रेन एनर्जी जब आप निकालेंगे तो क्या फॉर्मूला दोस्तों, सेम वही फॉर्मूला, जीरो टू एल, क्योंकि इसकी लेंथ भी कितनी है एल. वही कंसेप्ट यहां भी लगा सकते हैं आप, एट अ डिस्टेंस एक्स अज्यूम कर लो, एक ये सेक्शन है डी एक्स. और आप चाहो तो उसको, अगर आपको ये नहीं दिख रहा है, समझ में नहीं आ रहा, इतना तो समझ में आ गया होगा कि केवल ये एम ही बचेगा. अब इसको क्या करो, आप 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा लो. चलो आपके लिए सहूलियत कर देता हूँ, इसी पूरे डायग्राम को 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा लो. तो ए बी यही तो बचेगा, ये कपल लगा हुआ है, सेम बन गया. अगर इसको 90 डिग्री घुमा लेंगे आप, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा के देखेंगे इस डायग्राम को, तो ऐसे तो दिखेगा, दिखेगा नहीं दिखेगा. तो वही सेम कंसेप्ट, एट अ डिस्टेंस एक्स मूवमेंट निकाल लो. मूवमेंट की वैल्यू कितनी होगी इस केस में, मूवमेंट की वैल्यू होगी माइनस एम, क्योंकि माइनस एम का स्क्वायर डी एक्स अपॉन टू ई आई, यही होगी. जीरो टू एल एम की क्या पुट कर दूंगा मैं, माइनस डब्ल्यू एल, क्योंकि एम की वैल्यू है कितनी डब्ल्यू एल, माइनस क्या है क्योंकि क्लॉकवाइज है, स्क्वायर डी एक्स अपॉन टू ई आई, सिंपल.
उसके बाद 0 टू l इसको सॉल्व कर लेते हैं, w स्क्वायर l स्क्वायर dx अपॉन 2ei। तो फाइनली इंटीग्रेट करके बेटा इसकी लिमिट को मैं पुट करके आपको आंसर बता देता हूँ, तो यू ए बी कितना आ जाएगा, w स्क्वायर l क्यूब अपॉन 2ei। ये आ गया दोस्तों इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हमें क्या करना है इस फ्रेम, इस ब्रैकेट के लिए रिफ्लेक्शन बताना। तो बेटा दोनों एनर्जी को हम लोग ऐड कर देंगे, BC वाली एनर्जी को और AB वाली एनर्जी को। तो U टोटल इक्वल टू UAB प्लस UBC, दोनों को ऐड कर देते हैं। UAB की वैल्यू आई थी W स्क्वायर L क्यूब अपॉन 2EI, W स्क्वायर L क्यूब अपॉन 2EI, और UBC की वैल्यू थी W स्क्वायर L क्यूब अपॉन 6EI प्लस W स्क्वायर L क्यूब अपॉन 6EI। टोटल एनर्जी को ऐड कर लेते हैं, W स्क्वायर L क्यूब अपॉन EI कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 6। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये आ जाएगा W स्क्वायर L क्यूब अपॉन EI और इनका LCM आ गया 6 और ये हो गया 3 प्लस 1 दैट इज 4 W स्क्वायर L क्यूब अपॉन 6EI। ये आ गया दोस्तों, ठीक है। तो U टोटल की जो वैल्यू आई है, U टोटल इसको मैं कट कर देता हूँ, ये दो से गया दो बार, दो से गया तीन बार, तो U टोटल की वैल्यू आ गई 2 W स्क्वायर L क्यूब अपॉन 3EI। ये वैल्यू आ गई U टोटल की। अब हमें डिफ्लेक्शन निकालना है, डिफ्लेक्शन एट पॉइंट C। तो डिफ्लेक्शन एट पॉइंट C निकालना, और हम देख सकते हैं कि लोड भी C पे ही लगा हुआ है, यही कंडीशन है इस पूरी थ्योरम की। तो बेटा C इस लोड के रेस्पेक्ट में इस एनर्जी को हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे, U टोटल को हम लोग लोड के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। तो डेल W टू W स्क्वायर L क्यूब अपॉन 3EI, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा दोस्तों, डिफ्लेक्शन एट पॉइंट सी इज W के रेस्पेक्ट में करना है डिफरेंशिएशन, तो W स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2W, तो 2 इंटू 2W L क्यूब अपॉन 3EI कितना हो गया दोस्तों 4W L क्यूब अपॉन 3EI। खत्म, दिस इज द आंसर। तो इस तरह से हम लोग किसी भी पार्ट के लिए एनर्जी के मेथड से स्लोप एंड डिफ्लेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। कंडीशन यह है कि स्लोप एंड डिफ्लेक्शन उसी पॉइंट के नीचे निकलेगा जिस पॉइंट के नीचे लोड लगा होगा, जिस पॉइंट पर लोड लगा होगा, ठीक है। तो एनर्जी मेथड जो है बेसिकली इस तरह के फ्रेम्स को या यू कैन से ब्रैकेट्स को सॉल्व करने में काम आता है दोस्तों, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन तो हम ऑलरेडी जानते ही हैं, तो इसके लिए हमें एनर्जी मेथड लगाने की जरूरत ही नहीं, हमें पता ही है इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन। तो याद रखेंगे कि L ब्रैकेट को सॉल्व करने में हमें किसकी हेल्प लेनी है, कैस्टिग्लियानोस थ्योरम की, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा दोस्तों। तो अगर अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को हिट कर दो, ठीक है। बाकी इस कोड को उन बच्चों को बता दो, GPS लाइव कोड, जो नीडी हैं, जिनको वाकई में पढ़ने की आवश्यकता है या जो क्वेट की कोचिंग करना चाहते हैं घर बैठे बैठे, तो इस कोड को वो डालता है ताकि उनको 10% का डिस्काउंट मिल जाए, ठीक है दोस्तों। तो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, खुश रहिए, बिंदास रहिए, मस्त पढ़ाई करिए। थैंक यू गाइस, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।